हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो जेई 2004 का पार्ट था। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें दिया है एक डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रल माइनस पाई ओवर 3 टू पाई ओवर 3, पाई प्लस 4x क्यूब ओवर 2 माइनस कॉस मॉड एक्स प्लस पाई ओवर 3 dx, और पूछा गया है इस इंटीग्रल की वैल्यू। तो शुरू करते हैं। पहले स्टेप में गिवन इंटीग्रल को नाम देते हैं आई, और आई को ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में। पहले पार्ट का इंटीग्रैंड है एक इवन फंक्शन, इसलिए इंटीग्रल माइनस पाई ओवर 3 टू पाई ओवर 3 बनेगा 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई ओवर 3, और दूसरा पार्ट बनेगा 0 क्योंकि उसका इंटीग्रैंड है एक ऑड फंक्शन। अब पहले पार्ट में पाई बाहर निकालकर और मॉड एक्स को एक्स से रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई ओवर 3 1 ओवर 2 माइनस कॉस एक्स प्लस पाई ओवर 3 dx। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में सब्सटीट्यूट करते हैं, एक्स प्लस पाई ओवर 3 इज इक्वल टू 2t, जिससे मिलेगा I इज इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रल पाई ओवर 6 टू पाई ओवर 3 1 ओवर 2 माइनस कॉस 2t dt। अब 2 माइनस कॉस 2t को लिख सकते हैं 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर टी से डिवाइड करके और सिंप्लीफाई करके मिलेगा I इज इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रल पाई ओवर 6 टू पाई ओवर 3 sec स्क्वायर टी ओवर 1 प्लस 3 tan स्क्वायर टी dt। दोस्तों, अब यूज करते हैं सब्सटीट्यूशन, tan t इज इक्वल टू u, जिससे मिलेगा I इज इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रल 1 ओवर रूट 3 टू रूट 3 1 ओवर 1 प्लस 3 यू स्क्वायर du, जिसे इंटीग्रेट करके और लिमिट्स लगा के हमें मिलेगा I इज इक्वल टू 4 पाई ओवर रूट 3 ब्रैकेट tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। दोस्तों, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू होती है tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस xy, जिससे I की फाइनल वैल्यू बनेगी I इज इक्वल टू 4 पाई ओवर रूट 3 tan इनवर्स 1 ओवर 2, और यही हमारा आंसर है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।